चिकित्सा क्षेत्र में राज्य को मिला नुआ दिग्दर्श। कोविड रोगी उन्नत चिकित्सा पर राज्य में आरंभ होगा इक्मो सेवा। आज मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कटक गस्त कर एसीबी मेडिकल परिसर में इक्मो मेसीन शुभारंभ करते। मेसीन कार्यकारी होगापर राज्यवासी को आउ इक्मो चिकित्सा पर बाहर राज्य पर निर्भर करने को पड़े। गुरुतर कोविड रोगी मागणारे पाई इक्मो चिकित्सा। प्रिय भाई और भोनी माने नमस्कार। आपन जानती आज आमर कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रे नोटी एक्मो मशीन मु ओडिशा बासिन को पाई डेडिकेट कले। ईस्टर्न इंडिया रे एहा सबुथरु बड़ो एक्मो यूनिट। क्रिटिकल कोविड पेशेंट मानू आउ बाहर को जीवा दरकार नहीं। ए यूनिट पाई हाईली क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल मान को निजुक्त करा जाएगी। एक्मो ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली किंतु राज्य सरकार मागनारे यही सेवा जोगाई देवे। एथिरे जहाँ भी खर्चा है वो ता लोगों को ऊपरे पड़िबो नहीं। आपन को सरकार सब खर्च बहन करेंगे। सेकेंड वेव र स्मृति बहुत कष्टदायक। लॉकडाउन एवं रिलैक्स किंतु विपद दूर होई नहीं। थर्ड वेव र मुकाबला पाई आमको सतर्क रहिबाकु हेबो। एतिरे पिला माने बेसी इन्फेक्टेड हेबे बोली एक्सपर्ट माने कहउछन्ती। तेणु आम पिलाकु सुरक्षा पाई कोविड नियम को आमको कड़ाकड़ी भाव पालन करिबाकु हेबो। मोर अनुरोध आपन माने मास्क पिंधातु, हाथ धोतु, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करंतु, निजे सुरक्षित रहंतु, पिला मानकु सुरक्षित रखंतु। बंदे उत्कल बहु प्रतीक्षार अंत घटी शेषे राज्य बड़ मेडिकल एसीबी रे इक्मो चिकित्सा आरंभ होई। एसीबी रे मोट 9 इक्मो मेसीन रही जहाँ पूर्व भारत में प्रथम बोली नगर उन्नयन मंत्री प्रताप जेना कहते। सर्वभारतीय स्तर में कौन से सरकारी डाक्तखाना 9 इक्मो मेसीन व्यवस्था कराई जहाँ ओडिशा प्रथम बोली कहते। इक्मो परिचालना स्वतंत्र डाक्तरी टीम गठन होई। प्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक एससीबी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले 9 इक्मो मेसीन को लोकार्पित करी। ये इक्मो मेसीन समग्र भारत बर्षरे सरकारी हॉस्पिटल भावरे ये होची सबुठ अधिक सर्वश्रेष्ठ इक्मो मेसीन आमर एससीबी मेडिकल ले अवेलेबल रही। जो माने इक्मो मेसीन रे ट्रीटमेंट हेबे सेमानकु गोटे टंका भी खर्च करने को पड़ ना। गत जुलाई 27 राज्य को इक्मो मेसीन आसा। स्वतंत्र डाक्टरी टीम कलिकता जा तार प्रशिक्षण करने आज एसीबी मेडिकल इक्मो सेवा उपलब्ध होती। उद्घाटन समारोह बहु मान्यगण्य व्यक्ति जोगदे।